देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। समय है 12 से 2 और दिन भर की सियासी खबरों को हम लगातार डीकोड कर रहे हैं। देखिए इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं आपको बताऊं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक गायक हरिहरन के राम भजन की तारीफ की है। हरिहरन का गाया भजन प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है और इस वक्त गायक हरिहरन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले उनका वो राम भजन सुन लेते हैं। तो गायक हरिहरन का राम भजन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पोस्ट किया है सोशल मीडिया साइट पर, वो आपको सुनाएंगे। और आप देख रहे हैं इस वक्त गायक हरिहरन जी हमारे साथ मौजूद हैं और वो कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप जब हरिहरन जी हमारे साथ मौजूद हैं तो उन्हीं से गुजारिश करते हैं कि वो गुनगुनाएं वो भजन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर। हरिहरन जी बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर, उसी भजन के साथ शुरुआत करते हैं सर। पुकारा राम जी देना हमें सहारा, श्री राम जी सबने तुम्हें पुकारा, श्री राम जी देना हमें सहारा, श्री राम जी मेरे राम जी हो, प्यारे राम जी हो, न्यारे राम जी हो, सबके राम जी हो, सबने तुम्हें पुकारा, श्री राम जी देना हमें सहारा, श्री राम जी। बहुत मधुर। ये बताइए मुझे कि खासतौर से क्या इस राममय माहौल में ही आपने ये भजन बनाया या पहले से बना के रखा हुआ था? नहीं, पहले से रिकॉर्ड हुआ है ये गाना, और आज अपने प्रधानमंत्री जी ने इसको ट्वीट किया है और मुझे बहुत खुशी हुई कि ये गाना इतना प्रचलित हो गया है। आज पूरा दिन जो है सारे चैनल्स में सारे लोग यही गाना भजन गा रहे हैं। जी हरिहरन जी वो कहते हैं ना कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना, और ऐसे में आप जिस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं वो सबके दिलों में उतर जाता है। तो गुजारिश आपसे जरा एक बार वो सुना देने की दर्शकों के लिए। जय हनुमान ज्ञान गुर सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। क्या बात है, क्या बात है। कोई और भजन बचपन में जिसको सुनकर आप बड़े हुए हो, जिसने आपके जीवन पर बहुत प्रभाव डाला हो, वो अगर गुनगुना दें आप दर्शकों के लिए तो? मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी और तू भी तो ध्यान दे, मेरे मन में क्यों अंधकार है, मेरे मन में क्यों अंधकार है, मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दे, मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ। हरिहरन जी मैं ये भी आपसे जानना चाहती हूँ कि वो आपने जो अपने जीवन में पहला भजन गाया हो, जिसको गाने के बाद आपको एहसास हुआ हो कि संगीत से किस तरीके से आध्यात्म के साथ जुड़ा जा सकता है और क्या कुछ हासिल किया जा सकता है, वो भजन अगर आप गुनगुनाएं। जी एक कीर्तन है कर्नाटिक म्यूजिक के, वो राम पर है, तो वो मुझे बचपन से याद है, वो मैं सुनाता हूँ। इस मेरी अम्मा ने मुझे सिखाई इसने, उन्होंने
लावण्य राम कानु नर झूट बे अति लावण्य राम कानु नर झूट बे शिवनिता शीत कुमुता शिवनिता शीत कुमुत शीत कराजित अन्य जल वण्य राम कनूर झूठ अति लावण्य राम गनूर झूठवे क्या बात, बेहद सुखद अनुभूति और बहुत सुकून मिल रहा है आपकी आवाज में ये सब सुनकर। और क्योंकि ये घड़ी इतनी शुभ घड़ी आई है, भव्य दिव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, और ऐसे में जब भी कोई शुभ घड़ी होती है तो फिर श्री गणेश के साथ ही शुरुआत की जाती है, तो ऐसे में गणेश जी की आरती तो बनती है। जी जी गजाननम भूतगणातिसेवितम् गजाननम भूतगणातिसेवितम् कवित्तजम्बोपलसारपक्षिदम् उमासुदं शोकविनाशकारणम् विघ्नेश्वरपाद पंकजं विघ्नेश्वर पाद पंकजं विघ्नेश्वर पाद पंकजं। अति सुंदर सर, आपसे और है अपने कंटेम्प्ररी सिंगर्स में किसी का गाया कोई भजन जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, अगर आप वो गुनगुना दें तो। मैं एक अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम राम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और चलते चलते एक बार फिर से आपसे गुजारिश करूंगी, क्योंकि मैं ब्रेक खुद नहीं लूंगी, मैं चाहती हूं कि आप ही गुनगुनाएं वो राम भजन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के सामने रखा है, पोस्ट किया है, और फिर उसी पर हम ब्रेक ले लेंगे। सबने तुम्हें पुकारा श्री राम जी, देना हमें सहारा श्री राम जी, मेरे राम जी हो प्यारे राम जी हो न्यारे राम जी हो सबके राम जी हो। सबने तुम्हें पुकारा श्री राम जी, देना हमें सहारा श्री राम जी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।